नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। बात करेंगे आज के राशिफल की, 20 नवंबर 2021 के राशिफल की। सबसे पहले जानेंगे सुबह का संक्षिप्त पांचांग। सूर्योदय होगा 6:46 पर, सूर्यास्त होगा 5:25 पर, तिथि है प्रतिपदा नक्षत्र रोहिणी, पक्ष कृष्ण पक्ष वार शनिवार, अभिजीत मुहूर्त 11:44 AM से लेकर 12:27 PM तक और राहु काल है 9:26 AM से लेकर 10:46 PM तक। आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो आपको ढेरों शुभकामनाएं और शुभ समय में करिए शुभ काम और अशुभ समय में रखिए सावधानी। और ये जो जानकारी थी आपके शहर के अनुसार कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप। अब हम बात करते हैं 2022 में आपकी किस्मत को चमकाने वाले इन तीन रत्नों की। पहला रत्न जो स्क्रीन पर आ रहा है वो है लाजवर्द का पत्थर, दूसरा रत्न जो आ रहा है वो है एडी यानी अमेरिकन डायमंड, और तीसरा है हकीक, और उसके साथ में काले घोड़े की नाल का छल्ला और तीन बड़े ग्रहों के यंत्र यानी कि शनि राहु केतु के यंत्र और शनि की पोटली। ये सारा कुछ आपके जीवन में सुख समृद्धि और शत्रु का विनाश लेकर आएगी। सुख समृद्धि इतनी आएगी कि आप धन दौलत से भर जाएंगे, घर में पैसे की कमी नहीं होगी, परिवार में सुख होगा, रिश्तों में प्यार होगा, बच्चों का दिमाग तेज होगा और शत्रु का विनाश होगा। आपने 2021 में जो खुशियां नहीं देखी हैं, ये तीनों रत्न और बाकी चीज़ें 2022 में वो खुशियां आपके दरवाजे पर लेकर आने की ताकत रखते हैं, तो वक्त से इनकी बुकिंग कराएं और वक्त से इनका लाभ उठाएं। L14 यानी L14 लिखकर आपको व्हाट्सएप करना है और इसकी कीमत है ₹1450, जिसमें पोस्टल चार्जेस भी इंक्लूड हैं, तो ये आपको मिल जाएगा अगर आप L14 लिखकर व्हाट्सएप करते हैं। और बहुत जल्द ये आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा प्यार आपको मिलेगा, तो जल्दी ऑर्डर करेंगे तो शायद ये आपको वक्त से मिल जाए, लेट से ऑर्डर करेंगे तो शायद ना मिल पाए। तो L14 लिखकर व्हाट्सएप करना ना भूलें। बात करते हैं मेष राशि की। आज कड़ा संघर्ष करने का दिन है, जिसके कारण आप तनाव और थकान ग्रस्त रह सकते हैं। आज आपके छोटे भाई बहन का सहयोग और आत्मविश्वास जो है वो आपको मिलेगा, यानी छोटे भाई बहनों से आज आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलने वाला है। आप हिम्मत से कोई भी निर्णय लेंगे, जिसकी सफलता के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आपको धैर्य बनाए रखना होगा, अपना कार्य चालू रखना होगा, पैसा कड़ी मेहनत से प्राप्त होगा, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे, आपके बच्चे भी श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आज का दिन महत्वपूर्ण काम को जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करने का है, सभी काम समझदारी पूर्वक करने का है। यात्रा होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है, नौकरी में परिवर्तन की संभावना है, प्रमोशन भी आपको हाथ लग सकता है, कारोबारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सरकार की तरफ से जो सरकारी काम है उसमें थोड़ी बहुत रुकावट हो सकती है या खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है आपके परिवार में, तो उसकी सेहत पर कुछ खर्चा हो सकता है, बाकी लोग भी सावधान रहें सेहत को लेकर। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का शाम को प्रोग्राम बन सकता है और ईश्वर को नमस्कार करते रहिएगा, दिन बेहतर बीतेगा। बात करेंगे वृषभ राशि की। तो आज आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल होगा, किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल होंगे, आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, पैसों की कोई कमी नहीं होगी, आप अपनी वाणी से सभी का दिल जीत लेंगे। खरीद फरोख्त का कार्यक्रम रद्द करके आप घर पर ही रहेंगे, आपकी दाहिनी आंख में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, आपको विभिन्न क्षेत्रों में धन की प्राप्ति हो सकती है, आपको पारिवारिक कार्यों में जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन आप घर के बड़े लोगों की सेवा करें, आशीर्वाद आपके आपको मिल सकता है घर के बड़े लोगों का। वही दूसरी ओर से आपकी मानसिक शांति को भंग करने के लिए शत्रु कोशिश करेगा, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ऑफिस के कार्य जो हैं आज आपको थोड़े से निपटाने पड़ सकते हैं, आजीविका के नए साधन बन सकते हैं, व्यापार में मनचाहा मुनाफा कमाया जा सकता है। आज गर्भवती महिलाएँ जो हैं आज वो थोड़ी सी उनकी सेहत में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं होगी। परिवार में सभी का प्यार और स्नेह मिलेगा, दिन बढ़िया बीतेगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। तो आज का दिन थोड़ा खर्चा और उदासी दिखा रहा है, आपको प्रत्येक क्षेत्र में निराशाजनक परिणाम मिल सकते हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा। समस्याओं के निदान हेतु भगवान शिव की आराधना करते रहिएगा। प्रेमी प्रेमिका के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। आज के दिन
आप अपनी मेहनत से सभी काम करेंगे, किसी भी काम को करने से घबराएंगे नहीं, कुछ अच्छे अवसर आपके हाथ लग सकते हैं। सरकारी विभाग में जो लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी बच्चे या बड़े कर रहे हैं, उनको सफलता मिलेगी। मीडिया के क्षेत्र से जुड़कर भी अच्छा काम बढ़ने वाला है। व्यापारी लोगों को आज बेवजह के विवादों से दूर रहना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, सेहत को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपके अंदर विटामिन्स की कमी ना हो। खान पान के मामले में ज़्यादा तला हुआ गर्म भोजन ना खाएं तो बेहतर रहेगा। और आज थोड़ा सा अपनी माता पिता की तरफ ध्यान दीजिएगा, माता जी के आशीर्वाद से दिन बहुत बढ़िया हो जाएगा। बात करेंगे कर्क राशि की, तो आज का दिन निवेश करने के लिए विशेष शुभ है। आज का निवेश किया हुआ धन आपके मुश्किल घड़ी में काम आ सकता है। आपकी वाणी मधुर रहेगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, कुछ लोग आपके घर मेहमान बनकर आ सकते हैं, उनका स्वागत करिएगा। आज अथक परिश्रम करने से बचिए क्योंकि स्वास्थ्य में अनुकूलता देखी जा रही है। आज का दिन मन में पुरानी बातों को लेकर पछतावा हो सकता है, पुरानी गलतियों को लेकर पछतावा हो सकता है। बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करिएगा, बहुत ज़्यादा सच या झूठ का साथ मत दीजिएगा। बहुत ज़्यादा सच्चा होना या बहुत ज़्यादा झूठा होना आपको नुकसान देगा। बैलेंस बना के रखिएगा, अपने व्यवहार को बढ़िया रखिएगा। आज आप अपने टारगेट पूरा करने में कामयाब होंगे, कारोबारियों को मुनाफा होगा, विद्यार्थियों का समय बढ़िया बीतने वाला है। खुद पर, खुद की आदतों पर नियंत्रण बना के रखिएगा, कुछ भी ज़्यादा होना नुकसानदायक होगा। मेंटल टेंशन से बचने की कोशिश करिएगा और सफेद वस्त्र धारण करके आज आपको शांति मिलेगी। सिंह राशि की बात करें तो एक अच्छा दिन बताएंगे। निश्चित रूप से समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपको धन निवेश करने के लिए भी कुछ अच्छे मौके मिल जाएंगे, आप आत्मनिर्भर होंगे। कुल मिलाकर आपके लिए दिन प्रसन्नतादायक रहेगा। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लिए जाएं तो और भी बेहतर दिन बीतेगा। आज के दिन रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। अन्य कारणों से आज आप काफ़ी बिजी हो सकते हैं, अपने काम के साथ साथ कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जो पिछले दिनों के छूटे हुए काम हो। नौकरी में प्रगति के लिए आप महत्वपूर्ण फैसले लेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ों को आगे बढ़ाकर अपनी नौकरी में तरक्की के रास्ते खुद ही कायम करेंगे। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हैं या जो लोग उसका व्यापार करते हैं, दिन बहुत बढ़िया रहेगा। ससुराल पक्ष से आज बुलावा आ सकता है, आज परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, लोगों का, रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। आज बहुत सारे अवसर आपको ईश्वर की तरफ से मिलेंगे और कुल मिलाकर दिन बेहतरीन बीतेगा। कन्या राशि की बात करें तो आज आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल होंगे, बच्चों के साथ बढ़िया प्यार और सहयोग बना रहेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई संतोषजनक होगी। आज का दिन आपके प्रेम संबंध के लिए सौभाग्यदायक है। आज आप अपने जीवन साथी के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। व्यापारियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। आज के दिन व्यस्तता का माहौल रहेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल पाएंगे अपनों के लिए, अपने प्राइवेट कामों के लिए। आपकी मेहनत जो है उसमें आपको इजाफा करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। ऑफिस में आपकी मेहनत का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बॉस की तरफ से आपको आपकी मेहनत का इनाम मिलेगा, सराहना मिलेगी। बैंकिंग से जुड़े लोगों के लिए लाभ के अवसर खुलेंगे, रियल एस्टेट का कारोबार है तो अच्छा मुनाफा होने वाला है। आज आप युवाओं के साथ मिलकर काम करने वाले हैं, अपने से कम उम्र के लोगों के साथ आज आपकी खूब दोस्ती यारी होगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चलने वाली है और बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने के लिए दिन बढ़िया रहेगा। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए लगभग अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। तुला राशि की बात करें तो आज का दिन थोड़ा आप उदास महसूस कर सकते हैं, काम में रुकावटें आएंगी, गाड़ी वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, अपने वैचारिक मतभेदों को ऐसा मत करिएगा कि उससे लड़ाई हो जाए। पति पत्नी की लड़ाई होने के चांसेस बहुत हैं क्योंकि आज आप कुछ कहेंगे, सामने वाला कुछ कहेगा और आपस में बहसबाजी लड़ाई में बदल जाएगी। आज प्रेम संबंधों के लिए दिन भी बहुत बेहतर नहीं है, आपकी आंख में दर्द हो सकता है, टांग में दर्द हो सकता है, आपको अनावश्यक तनावों का सामना करना पड़ सकता है। आज का दिन मानसिक दबाव आपको बढ़ सकता है लेकिन शाम होते होते मानसिक दबाव से भी मुक्ति मिल जाएगी। और जो लोग आपके नीचे काम करते हैं, जो आपके साथ में काम करते हैं, उनका भी सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। और आज थोड़ा सा बच के रहिएगा, कोई मौसमी इन्फेक्शन या एलर्जी आपको हो सकती है, करीबियों या पड़ोसियों या मित्रों के घर आज आना जाना हो सकता है और कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारियों से आपकी अच्छी बातचीत भी हो सकती है। थोड़ा सा उदास, थोड़ी सी टेंशन में होंगे, थोड़ी सी रुकावटें आएंगी,
गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखें, लेकिन कुछ काम बहुत शानदार भी होंगे। यानी अगर चार काम बुरे हो रहे हैं तो तीन काम बहुत अच्छे भी बनेंगे। तो इसलिए धैर्य रखते हुए तुला राशि वाले आगे बढ़े तो बेहतर रिजल्ट पाया जा सकता है। बात वृश्चिक राशि की करें तो अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे, प्रेमी प्रेमिका को मिलने का अवसर मिलेगा, व्यापारी को किसी नए साझेदार का साथ मिल सकता है और जीवन साथी से संबंध भी बेहतर होते चले जाएंगे। आपके बच्चे बहुत अधिक साहसी होंगे, बच्चे जहां कदम रखेंगे वहां पर समझ लीजिए सफलता ही आ जाएगी। आपके अधिक परिश्रम काम आने वाले हैं, आपकी मेहनत का शानदार रिजल्ट यानी वृश्चिक राशि वालों की मेहनत का शानदार रिजल्ट इस बार उन्हें देखने को जरूर मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले एक बात का ध्यान रखिएगा कि लापरवाही में कोई काम नहीं करना हो, जो भी काम करना है उसकी लिस्ट बना के रखिएगा, योजना बना के रखिएगा, दिमाग में बहुत ज़्यादा बोझ मत चढ़ने दीजिएगा वरना सर दर्द माइग्रेन हो सकता है। आज आप किसी नई नौकरी वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं या किसी निवेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है और मनोरंजन और पढ़ाई लिखाई में तालमेल बढ़ा के रखिएगा ताकि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और मन भी अच्छा रहे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी कमजोर ना पड़े। तो इस बात का जितना ध्यान रखेंगे वृश्चिक राशि वाले उतना ही तरक्की करते चले जाएंगे आज के दिन। बात करेंगे धनु राशि की तो आज आपका स्वास्थ्य ढीला रह सकता है, आप अपने छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहिएगा, अपने मन की बात को छुपा के रखिएगा, अपनी रणनीतियों को छुपा कर रखिएगा। आज आप धोखा खा सकते हैं, आपके गुप्त राज लोगों को पता चल सकते हैं, किसी को पैसा उधार देने की आवश्यकता नहीं है वरना पैसा वापस मिलने में मुश्किल हो सकती है। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं तो संघर्ष के बाद ही सफलता प्राप्त होगी, अनावश्यक वाद विवाद से बचें। विद्यार्थी लोग आप लोग बहुत संभल कर पढ़ाई करें, आज आपके शत्रु आपको निशाना बना सकते हैं, कठोर परिश्रम के बाद ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहेगी। उच्च अधिकारियों के साथ बैठकर आज आप किसी मीटिंग में लंबा वक्त दे सकते हैं, आज अपनी शिकायतें आप अपने बॉस से कर सकते हैं ताकि आपको इंसाफ मिले और घर में आज कुछ पूजा पाठ का माहौल ज्यादा रहेगा। बात करेंगे मकर राशि की तो बहुत ही बढ़िया समय रहेगा, विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे, प्रेमी युगल जोड़े आज का दिन बहुत अच्छी तरीके से बिताने वाले हैं और व्यापार में लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आज ईश्वर की कृपा पाएंगे। सभी महत्वपूर्ण निर्णय आप लोग सोच समझ कर लीजिएगा, सट्टा शेयर मार्केट में भी आपको लाभ हो सकता है। आपका दिन एक अच्छा दिन बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, रोग कम होंगे और आपके शरीर के अंदर ताकत होगी। आज के दिन कानूनी अड़चने दूर होती हुई नजर आ रही हैं, आपका पक्ष मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार भी काफी अच्छा चलने वाला है। कुंभ राशि की बात करें तो आपको अपनी माता जी का साथ और सहयोग प्राप्त होता रहेगा, आप अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो बढ़िया दिन है। आज आप घर के लिए भी कुछ सामान खरीद सकते हैं, जो घर की जरूरतों का बड़ा सामान है वो खरीदारी हो सकती है, बच्चों के साथ वक्त बिताएंगे, बच्चों की देख रेख में पैसा खर्च करेंगे, बच्चों की सुविधाओं पर पैसा खर्च करेंगे, घर का अतिरिक्त निर्माण हो सकता है, किसी सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में भाग लेने जा सकते हैं। आज के दिन आपको आपके बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसा कोई काम करें जिससे आपके माता पिता बहुत खुश हो जाएं, माता पिता की खुशी में ही आज आपको स्वर्ग मिल जाएगा। कारोबारियों के लिए बहुत बढ़िया दिन है, युवाओं को आज थोड़ा सावधान रहना होगा नहीं तो गलत संगति या गलत आदतें पड़ सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा वरना गैस की समस्या आपको बहुत परेशान कर सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए दिन सामान्य से बहुत बेहतर है आज का। बात यहाँ पर होगी मीन राशि की तो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, अत्यधिक परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होगी, आपका कोई नया मित्र बन सकता है, पड़ोसियों से आपके संबंध सुधारने में आपको प्रयास करना होगा, रिश्तेदारों से आज लड़ाई झगड़ा हो सकता है, रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है, मुलाकात में बातें बहस में बदल सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें, अनावश्यक भारी भोजन को करने से बचें, किसी पुराने मित्र से संपर्क बढ़ेगा, अचानक मुलाकात हो सकती है। आज किसी को भी बेवजह सलाह ना दें, जब तक कोई आपसे सलाह ना मांगे तब तक वो सलाह ना दें, नहीं तो आपकी सलाह बेकार चली जाएगी और दो बातें भी आप सुन लेंगे। दूसरों के काम काज में हस्तक्षेप करना आपके मुसीबत का कारण बनेगा। हेल्थ को लेकर आज आपका सिर दर्द या परेशानी बढ़ सकती है, परिवार की मदद करने की आपको जरूरत पड़ेगी तो आज आप परिवार के लोगों की मदद करते हुए नजर भी आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो भी लोग ये राशि को सुन रहे थे उन सभी लोगों का आज का दिन बहुत बेहतर जाएगा और बहुत शांति प्रिय तरीके से आप दिन को बिताकर भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे।
और ये जो मैंने शुरुआत में आपको 2022 के तीन रत्न बताए थे L14, ये देखिए स्क्रीन पर सारी चीजें आ गई। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी में बहार आ जाएगी, खुशियां आ जाएंगी, धन दौलत आ जाएगी। और इसकी कीमत है 1,400 रुपये और L14 इसका कोड है। अगर ये सारी चीजें, ये आभूषण आपके पास हैं तो फिर किसी भी चीज की कमी आपको जीवन भर नहीं होने वाली है। हरिओम, नमस्कार।